ओके, तो क्या होती है मॉब लिंचिंग? तो मॉब लिंचिंग को समझने से पहले हम समझेंगे मॉब क्या होता है। मॉब होता है एन एग्रेसिव क्राउड, ऐसी क्राउड जो काफ़ी गुस्से में है, और लिंचिंग होता है किसी की डेथ कर देना। ओके, तो आपने देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा, कुछ क्राउड होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो एक पर्सन को पीटते रहते हैं और वो पीटते पीटते उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसी एक प्रोसेस को बोलते हैं मॉब लिंचिंग। इसका फर्स्ट केस आया था नागालैंड के दीनापुर में 2015 में। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ एक पर्सन ने किसी के साथ रेप किया, किसी लड़की के साथ रेप किया, तो उसको क्या हुआ, पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया 24 आवर्स की कस्टडी के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ, 7,000-8,000 लोगों की क्राउड आई और उसे थाने से निकाला। पुलिस उनके आगे कुछ नहीं कर पाई, उन्हें उसे थाने से निकाला और वहाँ उसकी उसको किल कर दिया, उसको मार दिया। तो इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। हाल ही में एक मामला हुआ था राजस्थान के अलवर ज़िले में। वहाँ क्या हुआ था, एक पर्सन को गाय के सस्पेंस में, उन्हें लगा था कि ये गाय को उठाने आया है, तो इसके चलते उसकी डेथ हो गई। तो इसी को बोलते हैं मॉब लिंचिंग। हालांकि इसका आईपीसी में कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न नहीं है इस ऑफेंस के लिए, क्या है इसको कोई कहीं डिफाइन नहीं किया है, बट फिर भी सीआरपीसी में 223 सेक्शन के तहत कुछ लोगों के लिए बताया गया है। जैसे कि अगर 5-6 लोग मिलकर डेथ करें तो उसके लिए एक अलग प्रोविज़न है, लेकिन अगर एक ऐसी क्राउड है, एग्रेसिव क्राउड है, तो उसके लिए कोई सेक्शन डिफाइन नहीं है, कोई पनिशमेंट डिफाइन नहीं है। हालांकि हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, तो उस पर विचार चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ व्हाट इज़ मॉब लिंचिंग। ओके, सो बाय।